सुबह मॉर्निंग वॉक में निकले थे तो वही चैन खींच लिया। दो आदमी था, मोटरसाइकिल से था। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। पटना में बेखौफ अपराधियों ने विधायक जी की पत्नी को ही निशाना बना दिया और लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। मॉर्निंग वॉक पर निकली थी विधायक, आरजेडी के जो विधायक है जहानाबाद से, सुदय यादव, उनकी पत्नी सुबह सुबह टहलने निकली थी। इसी दौरान उनकी पत्नी रिंकू देवी को दो बदमाशों ने निशाना बनाया है और चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अनफन में तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। वहीं सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। लेकिन राजधानी पटना में क्या अब विधायक जी का परिवार भी सुरक्षित नहीं है? जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि सुबह सुबह अगर आप टहलने निकले हैं कोई भी आपको निशाना बना लेगा, चाहे आप कोई भी हो, विधायक जी के परिवार से ही क्यों ना हो। विधायक जी की पत्नी को ही निशाना बनाया गया है और विधायक जी की पत्नी घायल हुई है, चोटिल हुई है और सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है पूरे मामले को लेकर। रिंकू देवी जो सुदय यादव की पत्नी है, क्या कुछ कह रही है? साथ ही साथ जो सचिवालय थाने के SI हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको वो सुनवाते हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक में निकले थे तो वही चैन खींच लिया, कंप्लेन करने आया है। कितने लोग थे यहाँ? हम लोग दोनों थे। रोज की तरह? रोज निकलते हैं घूमने के लिए। हाँ, तो वैसे ही निकले घूमने के लिए, पीछे से चैन खींच लिया, कंप्लेन करने आया है। आर ब्लॉक। कितने लोग? अटल पथ है ना, वहीं पे। कितने लोग थे, क्या तो कुछ देखा? दो आदमी था, मोटरसाइकिल से था। हथियार भी था? नहीं, झपटा है और भाग गया। हाँ, झपटा। हाँ, झपटा, देखिए ना, पीछे क्रॉस भी लगा हुआ है। अच्छा, चोट आ गया आपको? हाँ, पीछे देखिए, दिखाइए तो पीछे। हाँ, पीछे गिर गई थी क्या? नहीं गिरा था, नहीं। हम रोड पे खड़े थे क्रॉस होने के लिए। कितने का चैन था? पीछे से खींच लिया मैडम। लगभग कितने का चैन था? चैन होगा 70-80 हजार। मैडम, आप नहीं मानती है, जब जनप्रतिनिधि की पत्नी है आप और जिस प्रकार से अपराध ग्राफ बढ़ा है, दिन दहाड़े आपके साथ उजाले में, जिस तरह की घटना हुई, कितना सुरक्षित मानती है एक जनप्रतिनिधि की पत्नी होने के नाते? हाँ, सुरक्षित तो है। फिर ये घटना घट गई तो क्या करिएगा? बाहर में सब 12 लोग, सब है, बच्चा लोग सब रहता है सब। मॉर्निंग में क्या कर रहे थे? मॉर्निंग में घूमने के लिए निकलते हैं, रोज की तरह निकला। क्या उस समय पेट्रोलिंग पार्टी घूम रहे हैं? हाँ, पेट्रोलिंग कर रही थी। हाँ, पेट्रोलिंग कर रही थी। सामने घटना घटा? नहीं, उसका सामने नहीं हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा हम आगे बढ़ गए तब हुआ। मामला है कि हम चैन स्कैनिंग हुआ है। किनका चैन? वो विधायक, माननीय विधायक जी सुदय जी हैं, उनकी पत्नी का। मॉर्निंग वॉक में घूम रही थी उसी क्रम में बाइक वाला। कितने की संख्या में बाइक सवार? एक बाइक पर दो आदमी थे। कुछ पता चल पाया सीसीटीवी ना? अभी हम लोग खंगा रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं मिल रहा। केस दर्ज कर लिए हैं? नहीं सर। केस दर्ज हुआ है? नहीं हजूर, अभी आवेदन एजे लिख के दिए हैं, दर्ज होगा इन्हें से जाएंगे। साथ ही मल्टी में जी है, कमरा देख रहे हैं। चैन छीनने के दौरान विधायक जी की पत्नी को धक्का भी दे दिया है अपराधियों? ना, ऐसा कुछ नहीं है। छानबीन चल रही है पुलिस की। हाँ, अब विधायक जी की पत्नी भी है वहाँ कमरा पर, कैमरा जांच किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार है सर। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है विधायक सुदय यादव की पत्नी, जिनके साथ ये घटना हुई है। साथ ही साथ सचिवालय थाने के SI ने जानकारी दी है किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है। अपराधियों ने दिन दहाड़े घटना को अंजाम दिया है। टहलने निकली थी मॉर्निंग वॉक पर, इसी दौरान अपराधियों ने निशाना बनाया है। चैन छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया है। इस दौरान जो अपराधी थे उन्होंने धक्का मारने की भी बात सामने आ रही है और इसमें विधायक की पत्नी चोटिल भी हुई है। उन्होंने दिखाया किस तरीके से चोट लगी है उन्हें और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। मामला सचिवालय थाना क्षेत्र के अटल पथ का बताया जा रहा है। पूरे मामले को लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया क्योंकि जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं उनकी पत्नी को ही अपराधियों ने पटना में निशाना बना लिया। पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। लेकिन पटना में बड़ी घटना हुई है, इससे पहले भी लगातार पटना में घटनाएं हो रही हैं, जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है। आपने देखा होगा कि आलमगंज थाना क्षेत्र में BJP नेता को दुकान में घुसकर अपराधियों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना का पुलिस ने अभी तक उद्भेदन भी नहीं किया है। और एक और घटना हुई है, इससे पहले भी सरपंच और पूर्व मुखिया पति की हत्या हुई थी, आपने देखा किस तरीके से गोली मारी गई थी। तो कई सारी घटनाएं पटना में लगातार हो रही हैं। पुलिस महकमे पर सवाल है कि राजधानी पटना भी अब असुरक्षित महसूस कर रहा है क्योंकि लगातार घटनाएं हो रही हैं। पटना में हर रोज हत्या लूट जैसी वारदातें हो रही हैं, ऐसे में
अब जो घटना हुई है विधायक जी की पत्नी को ही पटना में लूट लिया गया है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए।